तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दुर्गा साहू और आप देख रहे हैं दुर्गा साहू ब्लॉग। तो मैं और हमेशा की तरह मेरा साथी संदीप कुमार साहू, हम दोनों साथ में हैं और हम जा रहे थे निमंत्रण में, रिलेशन में जा रहे थे बारात में। और हमें रास्ते पे बहुत ही खूबसूरत दृश्य दिखा, बहुत ही खूबसूरत गेट दिखा, तो हमें ऐसा लगा कि हमें यहाँ देखना चाहिए, घूमना चाहिए और आप लोगों को भी दिखाना चाहिए। इसलिए हम अभी अपने सफ़र को स्टॉप किए हैं और आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा, जो है श्री सिद्ध बाबा बजरंग धाम के नाम से। और ये मेन गेट है, ये देखिए, ये है मेन गेट। ये बिजौरी के अंतर्गत आता है, ग्राम बिजौरी और जिला अनूपपुर क्षेत्र में आता है। ये पसला से कुछ ही दूरी पर है। हम अभी आगे बढ़ रहे थे, हमें नज़र आई थी, यहाँ पे रुक गए हैं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा दूँ, ये सामने बड़ा सा मेन गेट है, मेन रोड से लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए, मैं आगे भी और भी दिखाता हूँ। यहाँ पे 3-4 मंदिरें हैं, ऊपर पहाड़ में मंदिर बना हुआ है। तो चलिए, वीडियो में बने रहिए, मैं आपको आगे दिखाता हूँ क्या क्या है और कैसा है। और दोस्तों, थोड़ा सा मेरा सपोर्ट करिए, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और लास्ट में वीडियो देखकर अगर लगे कि वीडियो अच्छा है, जगह अच्छा है, तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। और सब्सक्राइब करते समय बगल में बेल आइकन को भी प्रेस करिए, ऑल पर सेट करिए, ताकि ऐसा इंटरेस्टिंग वीडियो और जगह आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन के माध्यम से मिलता रहे। ये हम पहुंच गए सिद्ध बाबा, ये फर्स्ट मंदिर, नीचे ऊपर सेकंड मंदिर और उसके ऊपर एक और मंदिर है। चलिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ आगे और क्या क्या है। तो दोस्तों, अभी हम ये नीचे से आधा रास्ता, मतलब कुछ सीढ़ी चढ़ के ऊपर आ गए हैं। और ये यहाँ से बगल में एक छोटा सा पगडंडी बना हुआ है, यहाँ पे आके देखते हैं। यहाँ पे एक छोटा सा गुफा है, मंदिर है छोटा सा, ये देखिए, ये यहाँ पे एक त्रिशूल है और यहाँ पे एक मंदिर है। तो ये एक मंदिर है जिसमें राधा और कृष्ण जी की मूर्ति है, ये आप देख सकते हैं। अंदर है और दरवाज़ा अभी बंद है, तो शायद मैं खोल नहीं सकता हूँ। और काफ़ी अच्छे जगह पे बना हुआ है, ये देखिए, पहाड़ के सीधे नीचे में बना हुआ है। और ये नीचे का मंदिर है एक, और यहाँ से अभी और ऊपर चलेंगे, एक मंदिर ऊपर बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। और ये हमारे संदीप भैया, ये भी अपना किसी लुक को लेते हुए लगे हैं, सेल्फी ले रहे हैं शायद। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है, बहुत सुंदर व्यू है यहाँ का। और अभी आ रहे थे तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि यहाँ भालू भी शायद आते हैं, लिखा है वहाँ पे कि भालू रहते हैं। खैर, कोई बात नहीं, वो तो फिर देखेंगे क्या कैसा है। तो इस सीढ़ी को चढ़ते हुए हमें मैहर का याद आ रहा है, शारदा माता का। ये देखिए, काफ़ी ऊंचाई पे बना है, वैसे बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। तो आप लोग वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और आगे। वाओ, ऊपर का काम, अभी मंदिर का काम चल भी रहा है, कुछ थोड़ा बहुत बन गया है और बाकी भी है।
ये देखिए काफी ऊपर में बना हुआ है। पूरा जंगल है चारों तरफ, सड़क अभी हमें दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा। चलिए और ऊपर चलते हैं। और ये आ गए अपन मंदिर में। सामने एक मूर्ति है, शायद ये शनि देव की मूर्ति है। आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि शनि देव की ही मूर्ति है कि नहीं। ये एक घंटी लगा हुआ है, इसे अपन बजा लेते हैं और अंदर अंदर आप देख सकते हैं, अंदर शेरों वाली मैया बैठी हैं और काली मैया बैठी हैं। और ये अभी कार्य चल रहा है मंदिर का, बहुत ही खूबसूरत जगह पे बना हुआ है और बहुत ही शानदार है। तो चलिए हम आपको यहाँ से नीचे सड़क का व्यू दिखाते हैं। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत दृश्य है। ये यहाँ पे सड़क है, वो देखिए वो गाड़ियाँ जा रही हैं, वो देखिए। और यहाँ से मंदिर से ये सामने मेन गेट दिख रहा है, मेन गेट। और मेन गेट से पूरा सीढ़ी तक का यहाँ से नज़ारा काफ़ी सुंदर दिख रहा है। दोस्तों ये अनूपपुर ज़िला में आता है। हम लोग सकोला जा रहे थे रिलेशन में, तो हमें नज़र आया सामने मेन गेट और गेट में दो शेर दोनों तरफ बने हुए थे। तो हमें महसूस हुआ कि यहाँ पे कोई खूबसूरत जगह ज़रूर होगा, इसलिए हम गाड़ी खड़ा किए और अंदर की ओर आए। हमें आने के बाद पता चला सामने एक मंदिर है, ये जो आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये सामने एक मंदिर है हनुमान जी का। और यहाँ आने के बाद फिर ये ऊपर का मंदिर हमें दिखता है। तो ये यहाँ से ये पूरा सीढ़ी मैहर के जैसा, मैहर से कम है लेकिन बढ़िया व्यवस्थित सीढ़ी बना हुआ है और अपन बड़े आराम से आ सकते हैं। और यहाँ पे जो है माता शेरा वाली मैया हैं और काली मैया हैं, यहाँ पे उनकी विराजमान है वो। और यहाँ पे शनि देव हैं और ऊपर अभी एक मंदिर और बन रहा है, कार्य चल रहा है मंदिर बनने का। लेकिन यहाँ से पॉइंट बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है, ये देखिए आप, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। और वहाँ से नीचे से भी ऊपर की ओर दिखता है, समझ आता है। चलिए और देखते हैं ऊपर ऊपर हमारे और यहाँ पे क्या क्या बन रहा है। तो ये एक मंदिर अभी ऊपर भी बन रहा है, ये देखिए इसमें भोलेनाथ बैठे हैं सामने, इसमें भोलेनाथ बैठे हैं, भोलेनाथ विराजमान हैं। और पूरा पहाड़ है ऊपर तक, जंगल है और काफ़ी शानदार नज़ारा है यहाँ से। मैं और थोड़ा सा ऊपर चलता हूँ। वाओ ये देखिए बहुत ही मस्त है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जगह अच्छा लगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और हमें सपोर्ट करिए। आगे भी सीढ़ी बनी है, चलिए देखते हैं क्या है आगे। ये देखिए आगे भी, आगे कच्चा सीढ़ी बना हुआ है, तो इसे भी देख लेते हैं आगे और क्या है। ये देखिए आगे तो शायद, अरे आगे भी एक मंदिर है, क्या बात है। तो यहाँ से नीचे से, यहाँ से ये कच्चा रास्ता है, अभी शायद नहीं बना है, बाद में बनेगा ज़रूर। थोड़ा सा थकान लग रहा है, चेहरे पे मत जाइए, डुप्लीकेट नहीं है, मेकअप वाला नहीं है, ओरिजिनल है। आप लोग जगह को एंजॉय करिए। यहाँ से सीढ़ी भी ख़त्म और काफ़ी ऊपर में यहाँ एक और
एक और मंदिर बना हुआ है, चलिए उसे भी देखते हैं। इसमें कौन विराजमान हैं? इसमें भी भोले बाबा विराजमान हैं, मेरे को यहाँ से दिख रहे हैं। चलिए आगे तक। लेकिन बहुत ही खूबसूरत जगह है, तो यहाँ पे अगर आप आते हैं तो यहाँ ज़रूर विज़िट करिए। इस लाइन पे चलते हैं तो कुतमा रोड में है, और क्या पसला मिला ना, अभी पसला से कुछ ही दूरी पर है, ठीक मेन रोड से सटा हुआ है। मेन रोड से ही मेन गेट दिख जाता है, मेन रोड पे ही मेन गेट है, और उसमें सिद्ध बाबा लिखा हुआ है। यहाँ पे सिद्ध बाबा हैं, आइए देखते हैं। और वाओ, ये देखिए काफ़ी खूबसूरत दृश्य है यहाँ से भी। और मैं और आगे ले चलता हूँ, ये देखिए यहाँ बाबा भोलेनाथ कैलाश पर्वत में अपने विराजमान हैं। खूबसूरत, ये देखिए यहाँ का भी अभी शायद कुछ निर्माण होना बाकी है, मुझे ऐसा लग रहा है। लेकिन नज़ारा बहुत खूबसूरत है, तो यहाँ पे आप ज़रूर आइए। और सिद्ध बाबा, हनुमान जी, भोले बाबा और काली मैया, सबका दर्शन कीजिए ज़रूर। ये यहाँ पे बाबा हमारे भोलेनाथ बैठे हैं, ये देखिए। थकान लग रहा है दोस्तों, काफ़ी सुंदर जगह है लेकिन। और बाकी चारों तरफ केवल जंगल पहाड़ दिख रहे हैं। यहाँ पे खूब सारे तलवार, चिमटा, त्रिशूल, शंकर जी का सब रखा हुआ है। शायद सिद्ध बाबा यहीं पे हैं, ये सिद्ध बाबा इन्हीं को कहा जा रहा है। तो चलिए मैं और देखता हूँ आगे। ये हम लोग घूम गए हैं भोले बाबा को, ये देखिए। और यहाँ पे ये जो सबसे ऊपर का मंदिर है शंकर जी का, भोले बाबा का, यहाँ पे आने के बाद, हम यहाँ पे चढ़ने के बाद यहाँ पे देखते हैं तो सामने का व्यू जो है वो भी बहुत ही खूबसूरत विहंगम दृश्य दिख रहा है, जिसे हम कह सकते हैं बहुत ही लाजवाब सीन है। सामने तीन चार ऐसा छोटा छोटा टापू जैसा ये पहाड़ दिख रहा है, काफ़ी खूबसूरत नज़ारा है यहाँ से। तो आप लोग अगर इस रूट पे चलते हैं, नहीं चलते हैं तो यहाँ तो भी एक बार यहाँ पे घूमने ज़रूर आएँ। और ये वीडियो कैसा लगा वो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और मज़ा आया तो वीडियो को लाइक करें। और चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं अभी तक, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और हमें कमेंट में बताएं वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और टॉपिक, किसी और जगह के साथ, तब तक के लिए अनुमति दीजिए। जय हिंद।